चलिए आज हम बात करें पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में। इससे पहले कल आपने पढ़ा था प्रस्तावना का टॉपिक, तो देखिए आपके सामने एक शब्द है मौलिक अधिकार और एक शब्द है आपके सामने मानवाधिकार। तो सबसे पहले तो हम यही बात करें कि इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ एक शब्द आ रहा है मानव, यानी मानव प्लस अधिकार, ऐसे अधिकार जो हमें मानव होने के नाते, ऐसे अधिकार जो हमें मनुष्य होने के नाते मिले हुए हैं वो अधिकार कहलाते हैं मानवाधिकार। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश से संबंधित है, किसी भी धर्म से संबंधित है, किसी भी जाति या किसी भी लिंग से संबंधित है, यदि वह मनुष्य है, यदि उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो मनुष्य होने के नाते उसे जो अधिकार मिलेगा वो अधिकार कहलाएगा मानवाधिकार। जैसे मैं बात करूँ जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का जो अधिकार है ये प्रत्येक व्यक्ति का मानवाधिकार है। जीवन जीने का अधिकार ये मानवाधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि वह मानव है, चाहे वह किसी भी देश का हो, भारत का नागरिक है या विदेशी है या किसी भी धर्म से संबंधित है, यदि वह मानव है तो उसके जीवन को छीना नहीं जा सकता। यानी जीवन जीने का अधिकार है वो प्रत्येक मानव को प्राप्त है, ये हमारा मानवाधिकार है। मानवाधिकार आप सीधा समझ जाएं, प्रत्येक मानव को, प्रत्येक मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानवाधिकार कहलाएंगे। जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए, व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग श्रेणी के लोगों को उनके श्रेणी के अनुसार दिए जाते हैं। अलग अलग श्रेणी के व्यक्तियों को उनकी श्रेणी के अनुसार जो अधिकार दिए जाते हैं वो अधिकार कहलाएंगे मौलिक अधिकार। अंतर जो मेन अंतर है वह अंतर यही है कि मानवाधिकार प्रत्येक मानव को प्राप्त हैं, जबकि मौलिक अधिकार प्रत्येक मानव को प्राप्त नहीं है। ये अलग अलग श्रेणी के लोगों को उनकी श्रेणी के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि कोई भी आम आदमी, कोई भी आम नागरिक किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी पब्लिक पैलेस पर कोई हथियार लेकर नहीं जा सकता, लेकिन सिख धर्म के जो लोग हैं वो कटार लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कटार धारण करना उनका मौलिक अधिकार है। सिख धर्म के लोगों का मौलिक अधिकार है कटार धारण करना, तो वो केवल सिख धर्म के लोगों को प्राप्त है, वो और जो भी नागरिक है उनको प्राप्त नहीं है। तो मौलिक अधिकार वो होंगे जो अलग अलग श्रेणी के लोगों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान द्वारा दिए जाते हैं, जबकि मानवाधिकार वो होंगे जो प्रत्येक मानव को, यदि किसी ने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो प्रत्येक मानव को जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार कहलाएंगे मानवाधिकार। ये तो हमने बात की कि मौलिक अधिकार क्या हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आगे बेसिक क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं। दूसरा प्रश्न कि मौलिक अधिकारों को संविधान के कौन से भाग में और संविधान के कौन से अनुच्छेदों में स्थापित किया गया है। सबसे पहले हम बात करें कि मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं, तो मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए हैं अमेरिका से। अमेरिका से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है, अमेरिका से ग्रहण करके संविधान के भाग तीन और भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। यानी अपने संविधान का जो भाग तीन है और भाग तीन के जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल संविधान में कुल मिलाकर नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनमें से वर्तमान में 6 अधिकार नागरिकों के पास हैं। एक अधिकार को कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया है। अब वो कौन सा अधिकार है जिसे कानूनी अधिकार का रूप दिया गया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप ये देखिए कि जो 7 अधिकार थे, जो मूल संविधान में 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, वो 7 अधिकार कौन कौन से। सबसे पहले मैं 7 अधिकारों की बात करूँ। देखिए सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। सबसे पहले समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, चौथा अधिकार संपत्ति का अधिकार और सातवां सांवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सात मौलिक अधिकार मूल रूप से नागरिकों को दिए गए थे, जिनमें से वर्तमान में छह अधिकार नागरिकों के पास हैं। अब इनमें से एक अधिकार को कौन से को हटाया गया, कब हटाया गया और कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया गया, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि जो सात अधिकार हैं, जिनमें सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जिसका वर्णन आता है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक, समानता के अधिकार का वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और सांवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये सात मौलिक अधिकार। आपको ये बताया कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब आपसे यहाँ मैं दो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न कि संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए, आपको बताया कि मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से शुरू होकर अनुच्छेद 35 तक है। आप काउंट करेंगे कुल कितने अनुच्छेदों में, तो आप काउंट करेंगे 12 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस प्रकार आप काउंट करेंगे तो 12 से 35 तक आपके सामने जो कुल अनुच्छेदों की संख्या आएगी, वो कुल अनुच्छेद आएंगे आपके सामने 24। यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, अब यहाँ भी कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, आंसर 24 ही कर देते हैं। मैंने दो अलग अलग क्वेश्चन बोले हैं। एक क्वेश्चन था कि संविधान के कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन 24 अनुच्छेदों में है। दूसरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि संविधान के कितने अनुच्छेदों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यहाँ पर मैंने नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, नागरिकों के पास कितने अधिकार हैं, सात अधिकार नागरिकों के पास हैं, जिनमें पहला अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू होता है और अंतिम अधिकार अनुच्छेद 32 तक। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाता है, जबकि नागरिकों के अधिकार 14 से शुरू होते हैं। यानी अनुच्छेद 12 और 13 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो नागरिकों के लिए नहीं है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का अंतिम वर्णन अनुच्छेद 35 तक है, जबकि नागरिकों के अधिकार अनुच्छेद 32 पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। यानी 32 के बाद अनुच्छेद 33, 34 और 35, ये पांच अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कितने अनुच्छेदों में है, तब तो आपका आंसर होगा 12 से 35 तक 24 अनुच्छेद। और अगर पूछे नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो देखिए पांच अनुच्छेद कम कर दें, पांच अनुच्छेद ऐसे जिनमें नागरिकों का वर्णन नहीं किया गया है, तो 24 में से आप पांच अनुच्छेद कम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19। यानी 19 अनुच्छेदों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, जबकि 24 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। अब आप देखिए कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक ये नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार नागरिकों के पास हैं, अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे कौन से अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार है। लेकिन 14 को पढ़ने से पहले हम एक बार ये बात कर लें कि अनुच्छेद 12 क्या है और अनुच्छेद 13 क्या है, फिर हम 14 से पढ़ना शुरू करें। तो आप देखिए कि अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है और अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 12 है, इस अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी प्रकार के पदाधिकारियों एवं सभी प्रकार की संस्थाओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों से संबंधित समस्त पदाधिकारियों
एवं समस्त संस्थाओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 में। कौन कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, कौन कौन ऐसी संस्थाएं हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उन सभी का वर्णन अनुच्छेद 12 में किया गया है। जैसे मैं बात करूं कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है, या मैं आपसे बात करूं कि मौलिक अधिकारों में यदि संशोधन करना पड़े तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, या मैं बात करूं कि मौलिक अधिकार यदि किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जाए, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, कहने का मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो इनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँ मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यानी राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। सीधे सीधे तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, भारत की संसद, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ये दोनों मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। तीनों क्वेश्चन आप इसी रूप में याद रखेंगे, ये बात कही गई अनुच्छेद 12 में, पदाधिकारियों का वर्णन एवं संस्थाओं का वर्णन अनुच्छेद 12 में मिलता है। तीन क्वेश्चन आपको बताएं कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट। यदि किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि तेरे मौलिक अधिकारों का तुझे लाभ नहीं मिल पा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जाए, वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। और साथ में एक बात का और ध्यान रखना, एक बार SSC एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में कौन सी रिट लगाई जाती है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में रिट लगाई जाती है उस रिट का नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैवियस कॉर्पस नामक रिट लगाई जाती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो रिट लगाई जाती है हैवियस कॉर्पस, ये रिट लगाई जाती है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अब इसके बाद हम बात करूँ अनुच्छेद 13, कि अनुच्छेद 13 क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 13 में ये बात कही गई है कि राज्य कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालता हो, राज्य के द्वारा कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जाए जो मौलिक अधिकारों को, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालता हो, यानी मौलिक अधिकारों को नष्ट करता हो। ये बात कही गई अनुच्छेद 13 में। तो ये हमने बात की अनुच्छेद 12 और 13 कि जो अनुच्छेद 12 है उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित पदाधिकारियों एवं संस्थाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 13 में ये बात कही गई है कि राज्य कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालता हो। अनुच्छेद 12 एवं 13 की हमने बात कर ली। अब इसके बाद अनुच्छेद 14 से नागरिकों के मौलिक अधिकार शुरू होते हैं। अब देखिए एक एक मौलिक अधिकार को हम पढ़ना स्टार्ट करें, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, 7 जो मौलिक अधिकार आपको बताए थे उनमें सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार की समानताएं दी गई हैं, संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार की समानताएं दी गई हैं। अब देखिए समानता 14 से शुरू होती है और 18 तक है, यानी 14, 15, 16, 17, 18 पांच प्रकार के अधिकार, पांच प्रकार की समानताएं नागरिकों को संविधान में दी गई हैं। अब वो पांच प्रकार की समानताएं कौन कौन सी, सबसे पहले हम देखें अनुच्छेद 14 क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, कि विधि के समक्ष कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति वो किसी भी धर्म से संबंधित है या कोई भी कैसा भी नागरिक है, लेकिन विधि के समक्ष सभी समान है, यानी विधि यानी कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। ये बात कही गई अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 है, तो अनुच्छेद 15 ये बात कहता है धर्म
लिंग, जाति के आधार पर, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म को लेकर, उसके लिंग को लेकर या उसके जाति को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति के आधार पर उसके साथ किए जाने वाले भेदभाव का अंत करता है अनुच्छेद 15। इसी के साथ हम बात करें अनुच्छेद 16 क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसरों की समानता, लोक नियोजन में अवसरों की समानता, ये बात कही गई अनुच्छेद 16 में कि जो भी लोक नियोजन के, यानी सीधा से मैं आपको बता दूं रोजगार में अवसरों की समानता, कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान होंगे। आपने देखा होगा अगर कोई भी वैकेंसी है, किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म आउट होते हैं तो वहाँ पर कभी ऐसे लिखा हुआ नहीं आता कि केवल हिंदू धर्म के लिए, केवल ब्राह्मण जाति के लिए, एक ही बात लिख कर दी जाती है सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, यानी प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका अपवाद है अनुच्छेद 16 है पार्ट 4। अनुच्छेद 16 का जो भाग 4 है इसमें एक व्यवस्था दी गई है, आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन सिस्टम। 16 के भाग 4 में रिजर्वेशन सिस्टम है, आरक्षण की व्यवस्था है, और आरक्षण के कारण प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिए जाएं, लेकिन 16 के भाग 4 में रिजर्वेशन सिस्टम है, आरक्षण व्यवस्था है, जिसके कारण प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है, तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, या जिसे हम कह सकते हैं छुआछूत का अंत। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति को लेकर, उसके धर्म को लेकर किसी प्रकार की छुआछूत ना की जाए। और अंतिम की यदि मैं बात करूं, अंतिम आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियां जो पहले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि दी जाती थी, जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी हुई है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी हुई है, किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी, जब अपना संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 18 के माध्यम से सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया था। कि ये जो उपाधियां दी जाती हैं महात्मा, गुरुजी, ये सब सर, राय बहादुर, इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया था अनुच्छेद 18 के माध्यम से। केवल ये बात कही गई थी कि भारत सरकार दो ही क्षेत्रों में उपाधियां देगी, शिक्षा व सेना क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमने अगर बैचलर किया है, बीए किया है, तो हमें स्नातक की उपाधि मिलेगी। हमने एमए किया है, हमें प्राय स्नातक की उपाधि मिलेगी। अगर हमने पीएचडी किया है, हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। यानी शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत कर दिया गया था अनुच्छेद 18 के माध्यम से। लेकिन आगे चलकर आपने कभी एक बात पढ़ी होगी पॉलिटी में कि भारत में 1977 में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी थी। देखिए स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं तो स्वतंत्र भारत में पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1964 तक रहे। 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। फिर 1964 के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी रहे 1964 से लेकर 1966 तक। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई। जब शास्त्री की मृत्यु हुई तो तीसरे प्रधानमंत्री बनाए गए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही 1966 से 1977 तक। 1977 में पहली बार ऐसा हुआ कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अब आप देखिए जो ऊपर हमने बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, जबकि मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। यानी एक ऐसे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे।
जो जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए मोरारजी देसाई को कहा जाता है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। इन्होंने मोरारजी देसाई ने क्या किया कि जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई ने शिक्षा व सेना क्षेत्र में भी उपाधियों का अंत कर दिया। शुरुआत में ये प्रावधान किया गया था कि शिक्षा व सेना क्षेत्र में उपाधियां दी जाएंगी, इसके अलावा सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया, लेकिन मोरारजी देसाई ने शिक्षा व सेना क्षेत्र में भी उपाधियों को समाप्त कर दिया, जिसे आगे चलकर इंदिरा गांधी सरकार ने दोबारा से शिक्षा व सेना क्षेत्र में लागू किया। तब से लेकर आज तक भारत सरकार शिक्षा व सेना क्षेत्र में उपाधियां देती है, यह है अनुच्छेद 18 कि शिक्षा व सेना क्षेत्र में उपाधियां दी जाएंगी। अब इसके बाद आगे बाद में कंटिन्यू करते हैं।